हेलो वन एंड ऑल, दिस इज मी सर्विस वन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था दिस और दैट, आज उसी का एक और पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दीज एंड दोज। सो जानते हैं कि दीज और दोज क्या है। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन पर आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है और ये दीज और दोज कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो लेट मी टेल यू, दीज आर नोन एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज और दोज जाने जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस और दैट है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जाने जाते हैं। तो मतलब बेसिकली वी हैव फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस है, दैट है, दीज एंड दोज, करेक्ट। सो दिस और दैट हम लोग बात कर चुके थे लास्ट वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे दीज और दोज पर, कि दीज और दोज इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली दीज का मतलब जो है, दीज का मतलब होता है हमारे पास ये, ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज जो है मतलब वो चीज जो आपके करीब है और आप, यानी कि ज्यादा है, मतलब यानी कि वो नाउन जो करीब है और ज्यादा है, तो दो या दो से ज्यादा है उनके लिए आप यूज करोगे दीज। और दोज आप इस्तेमाल करते हो, मतलब दोज का मतलब है वो, और इस्तेमाल करते हैं मतलब वो चीज जो आपसे दूर है और दो या दो से ज्यादा है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे दोज। तो इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम लोग यानी कि जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कि इसको सेंटेंसेस किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसकी फॉर्मुलेशन आई हैव टोल्ड यू कि फॉर्मुलेशन जो है वो एक गाइडलाइन होती है, एक हिदायत होती है, जिसके तौर पर आप अपने सेंटेंस को सही और दुरुस्त बना सकते हैं। सो पहला जो आपका सेंटेंस होता है हमारे पास अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इट्स अ सिंपल सेंटेंस जिसमें आप अपना सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आपका दीज या दोज, ठीक है, दीज और दोज आपने अकॉर्डिंग टू द उर्दू आपने जाना है कि ये कुर्सियां हैं। तो अगर ये कुर्सियां हैं तो मींस दैट आई हैव टोल्ड यू कि दीज का मतलब जो है वो है ये, ठीक है, और वो का मतलब है दोज। तो अगर सेंटेंस में आपके लिखा है ये, ठीक है, तो आपने इस्तेमाल करना है आपका दीज, मींस आपने यूज करना है दीज। अगर लिखा है वो तो आपने यूज करना है दोज। देन नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब आपका जो वर्ब होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब में से हमारा वर्ड यूज होगा आर, ठीक है, ए आर ई आर। आर का मतलब होता है उर्दू में है, ठीक है, या फिर हो, somehow, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं इसको, ओके, वो कंसीडर करेंगे है के तौर पर, जैसे कि ये कुर्सियां हैं, राइट। तो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा दीज आर चेयर्स। यहाँ पर जो नाउन है हमारा, नाउन हम लोग यहाँ पर प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था दीज और दोज ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो नाउन होगा आपका ये प्लुरल फॉर्म में होगा। देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपकी पार्ट, मतलब पंक्चुएशन का एक पार्ट है, ठीक है, तो ये फुल स्टॉप आपका इस तरीके से होगा। देन आपने सेंटेंस के लास्ट में यूज करना होगा लाइक दीज आर चेयर्स। नेक्स्ट होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपका है लाइक आपको किस तरीके से नेगेटिव बनाना है, दीज और दोज आपने देखना है आपकी अकॉर्डिंग टू द उर्दू। देन आफ्टर दैट आपने यूज करना है वर्ब। वर्ब आपका यूज होगा यहाँ पर आर। देन आप यूज करोगे नॉट। नॉट आफ्टर आपका नाउन, नाउन के बाद आपका अगेन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल इज देयर, वो दरख्त नहीं है, वो दरख्त नहीं है, दोज आर नॉट ट्रीज, दोज आर नॉट ट्रीज। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस है सिंपल लाइक वर्ब। वर्ब हमारे पास हमारा आर है लाइक दीज और दोज, उसके बाद आपका प्लुरल नाउन आएगा। देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपका पंक्चुएशन का पार्ट है लाइक दिस। क्या वो कापियां हैं, आर दोज, आर दोज कॉपीज, आर दोज कॉपीज। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमला किस तरीके से बनाया जाता है लाइक आपने वर्ब यूज करना है, वर्ब के बाद आपने दीज और दोज, आपका वर्ब आर है यहाँ पर, दीज और दोज अकॉर्डिंग टू द उर्दू, अगर ये है तो आप दीज यूज करोगे, अगर वो है तो आप दोज यूज करोगे। याद रखें दोनों हम लोग दो या दो से ज्यादा नाउन के बारे में बात करना चाहते हैं। जब आप अपना नाउन, मतलब यानी कि इनको पॉइंट आउट करना चाहते हो, पॉइंट आउट समवन और समथिंग, इन दैट सेंस वी यूज दीज और दोज, ठीक है। इन दैट सेंस आप यू बात कर रहे हैं लाइक आर दीज नॉट पेंस, मतलब क्या ये कलम नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी दीज एंड दोज। आपको न्यू वीडियो न्यू लेक्चर में आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।
साध